जब उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हुआ था, चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी गोरखपुर सीट नहीं बचा पाए थे और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी अपनी सीट फूलपुर नहीं बचा पाए थे। उसी समय से एक देश में माहौल बन गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है, क्योंकि 2014 का लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे जिन राज्यों में सरकार है वहां की विधानसभा का चुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो देश और प्रदेश की जनता से वादा किया था उसमें से कोई वादा पूरा नहीं किया है। इसी कारण से देश और प्रदेशों की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का संकल्प ले चुकी है और उसका जिंदा उदाहरण पांचों राज्यों का चुनाव है और उत्तर प्रदेश का चारों उपचुनाव। महागठबंधन को लेकर के क्या लगता है, ये जो चुनाव खेले जा रहे हैं इनसे महागठबंधन की तस्वीर भी साफ होगी? भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। अब आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी उस डूबते हुए जहाज से कूदने लगे हैं जान बचाने के। सवाल ये है कि भाजपा का जाना तय है, बस आप 19 का इंतजार कीजिए। गठबंधन, महागठबंधन की तस्वीर क्या बनेगी? जो भी स्थिति बनेगी वो आपके सामने आएगी। अभी इसमें मेरा कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना तय है कि देश की जनता संकल्प ले चुकी है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का। तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनने से समाजवादी खेमे में भी उत्साह है और उसे लोकसभा चुनाव का रास्ता आसान होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कल तक कांग्रेस को कोस रही समाजवादी पार्टी ने आज रिजल्ट आने से पहले ही ऐलान कर दिया है कि मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है। ईटीवी के लिए लखनऊ से अखिलेश तिवारी।